हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एफएम 200 का सोलोनेट रिमूव कैसे करें। ठीक है, ये देखें सोलोनेट है, इसको रिमूव करना है। तो फ्रेंड, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इसको आराम आराम से खोलना है और इसको यहाँ पे देखें रिमूव हो गया। बिल्कुल आसान है ये रिमूव करने के लिए। जो बंदे नहीं रहते ना, उनको उतना आइडिया नहीं रहता, आते ही दिखते हैं, बोलते हैं कैसे रिमूव होगा। तो यहाँ पे देख के आप आराम से कर सकते हो रिमूव। ठीक है, और एक कैप लगा दे रहा हूँ। कैप लगाने का मकसद ये है कि अगर हमारा पैनल इसका ट्रबल शो कर रहा है, वहाँ पे फॉल्ट दिखा रहा है, अगर इसको लगा दूंगा तो ये फॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। देखिए, सही है। अभी देखो इसको रिसेट कैसे किया जाता है। अभी मैं एक्टिव किया था, एक्टिव करके देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी इसका एक्टिव करने का निकालना। इसको रिसेट करने के लिए यहाँ पे देखिए टेस्टर लेना आपको, और थोड़ा ताकत लगता है। अगर बड़ा वाला रहेगा माइनस तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास टेस्टर है, देखो इसी कर रहा हूँ, इसको आपको घुमा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये था रिसेट का, यहाँ पर आ गया स्विच। ओके, तो ये हमारा रिसेट हो गया। यहाँ पर देखो इसका पिन था, ये नीचे चला गया। आई होप कि आपको ये वीडियो में सोलोनेट कैसे रिमूव करते हैं और इसको रिसेट कैसे करते हैं ये तो मालूम चल गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।